देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने टॉप की स्टिचिंग बता दी थी, तो अब हम इसे नेकर की स्टिचिंग बताएंगे जो शॉर्ट्स है बेबी का। तो चलिए बताना शुरू करते हैं इसकी स्टिच। तो देखिए ये दोनों सीधे हैं, तो हम इनकी क्रॉच एरिया को जोड़ेंगे। तो इसको भी इस तरह से रख लेंगे और दोनों पल्लों को हम बराबर से रखेंगे इस तरीके से। तो हमको स्टिच यहाँ से इसे पकड़ते हुए पहले इस पर स्टिच डाल लेनी है। देखिए यहाँ से दोनों पर स्टिच डालेंगे, हम बंद वाली स्टिच बताएंगे आपको, और दोनों यहाँ से यहाँ तक। चलिए तो स्टिच डालते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें स्टिच डालनी है, दोनों को बराबर से पकड़ते हुए, और आधा इंच के मार्जिन से हमें इस पर मशीन चलानी है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से, और हम दोनों स्टिच इस पर डालेंगे। तो चलिए डालना शुरू करते हैं। इसे मिलाते हुए बराबर से और इस पर सिलाई डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पर जो सिलाई पड़ी हुई है, अब हम इसको फिनिशिंग के लिए इस तरह से दबाते हुए एक और स्टिच डाल देंगे, और इस साइड भी हम पहले इसमें स्टिच डाल लेते हैं, तो उसके बाद हम फिर आगे का बताएंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इस पर सिलाई डाल दी है, तो और फिनिशिंग की मैंने इस पर ऊपर भी सिलाई डाल दी है। तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे एक ही सिलाई रखें। अब क्या करना है, मुझे नीचे फोल्ड करना है, तो मैं इसमें फ्रिल लगाऊंगी। 2 इंच 1.5 इंच की इसमें फ्रिल लगाएंगे, तो उसके लिए हम कपड़ा कट कर लेते हैं और आगे इसमें इलास्टिक दिखाएंगे जो आपकी कमर है उसके अनुसार। तो पहले हम फ्रिल कट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको किस तरह से हमको लगाना है। तो देखिए इस तरह से अब हमें इसके लिए इलास्टिक का, जो हमने ऊपर लेफा के लिए कपड़ा हमने लिया है, तो इसके बराबर लेना है, जो इसका गुलाई है उसी के अनुसार हमको कपड़ा लेना है। तो देखिए इस तरह से, क्योंकि इसमें इलास्टिक पड़ेगी तो वो उसमें चुन्नट आ जाएंगे। तो देखिए हमने जो कपड़ा कट किया है, इतना हमको जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो इसकी हम लंबाई बताते हैं। देखिए 3 इंच का हमने लिया है, तो ये 1 इंच की इलास्टिक है, तो ये डबल हो जाएगा 2 इंच, और आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा, तो इसलिए मैंने 3 इंच लिया है। इसी तरीके से कोई भी आप शॉर्ट्स बना रहे हैं किसी भी साइज़ का, तो आपको इसी तरीके से निकालना है। और देखिए इलास्टिक की भी चौड़ाई 1 इंच है, तो ठीक है, इसमें जब फोल्ड करते हैं तो 2 इंच कपड़ा हो जाता है, और आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और इलास्टिक आपको किस तरीके से लेना है, इलास्टिक के लिए इलास्टिक इस तरह से लेते हैं, जैसे जो भी कमर है बच्चे की, जिसकी बड़े की, आपको उस तरह से उसमें 4 या 5 इंच कम कर देना। तो इस बच्चे की कमर है 21 इंच, ठीक, तो ये मेरे पास बचा हुआ पीस था, तो मैं इलास्टिक का इसी को लगाने के लिए देख रही हूँ कि ये हमारा पूरा होगा। तो देखिए हमारे ये 16 इंच है और 21 इंच उसकी कमर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 इंच मैंने कम कर दिया इसमें से, ठीक, और क्योंकि ये ज़्यादा खींचने वाली है। देखिए तो आपके पास जो भी हो इसी तरीके से आपको निकालना है, क्योंकि देखिए मैंने इसमें 5 इंच कम कर दिया। तो अब हम इसको यहाँ पर, इसमें इतना कपड़ा हमारा कम है, तो इसमें जॉइंट लगाते हैं और फिर इसमें अटैच करते हैं, उसके बाद हम इलास्टिक डालना आपको बताएंगे। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से इसमें जॉइंट लगा लिया, जो हमने लेफाई से जोड़ा है। तो अब हम इसको देखिए इस तरह से रखेंगे, और ये हमने जो यहाँ से जो इलास्टिक थी, तो मैंने इसे बीच से जॉइंट कर लिया, दोनों छोरों पर पकड़ करके इसमें स्टिच डाल दी है। तो हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हम रखेंगे इसको, एक साइड से जहाँ से भी जॉइंट है तो यहाँ से रख लेते हैं, दिखाने के लिए यहाँ से रख लेते हैं बराबर से इस तरीके से, और इस कपड़े को फोल्ड करना है हमको जितना भी। तो इस तरीके से हमें इस पर
इलास्टिक पर नहीं चलना चाहिए और बराबर से जो हमारा मार्जिन लिया हुआ है उसे दबाते हुए हम बराबर से इस पर सिलाई स्टिच डालते हैं। चलो डालना पहले शुरू करते हैं, फिर दिखाते हैं किस तरह से हमको डालना है। तो देखिए इस तरह से हमको इसमें अंदर डालना और जो हमारा मार्जिन है सिलाई वाला उसे हम दबाते हुए, और अगर आप बिगनर हैं तो धीरे धीरे भी डाल सकते हैं, पिन से अटैच कर लें। और देखिए जो मार्जिन है उसी को हम दबाते हुए और इसको सही करते हुए इस तरह से डालेंगे। सिलाई इसी पर आना चाहिए जो स्टिच है, और जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे ऐसे फोल्ड करते हुए और पूरे पर हम स्टिच डाल देंगे। तो देखिए इसको सही करते हुए, और जब हमारी इलास्टिक कम रह जाती है तो हम इसे खींचते जाना थोड़ा इस तरीके से और पूरे पे सिलाई डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी इलास्टिक इस पर पड़ करके रेडी हो गई है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है इस पर सही से इलास्टिक पर मशीन नहीं चले जब हम फोल्ड करते हैं। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। अब हमें करना क्या है कि नीचे इसमें फ्रिल लगानी है और इसमें मैंने सिलाई डालनी है कॉचेर की। तो अब देखिए इसको इस तरह से हमको खींच देना है जिससे कि हमारी चुन्नट हैं जो बराबर से आ जाए। अब इस पर एक पीच में सिलाई डाल दें। तो सिलाई को डालते समय बिल्कुल ऐसे खींच के डालना है कि जिससे हमारा बराबर से प्लेटें बनती चली जाएँ। तो हमें मशीन में फंसा लेना और बराबर से इसे खींचते हुए इस पर सिलाई डाल दें। तो एक इसमें सिलाई क्यों डालते हैं कि जिससे कि हमारी रबड़ कहीं फोल्ड ना हो जाए। तो चलिए हम इस पर एक सिलाई डाल देते हैं और इसमें फिर फ्रिल तैयार करेंगे। तो हमने इसमें से देखिए ये फ्रिल पट्टी कट कर ली है, तो इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और फोल्ड करके पहले इसे एक सिलाई लगा लेंगे इसमें डबल फोल्ड करके इस तरीके से, फिर इसकी हम प्लेटें बनाना बताएंगे किस तरह से हम प्लेटें बना लेंगे। ठीक है, तो हम एक इस पर सिलाई डालते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमारी बीच का जॉइंट है इसमें देखिए जो बीच है यहाँ से, तो हम यहाँ से इसे मशीन में दबा लेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से दबाने के बाद हम सुई को अंदर करेंगे इसमें इस तरह से सुई डुबा ली। अब हमें यहाँ से बराबर पकड़ना है दोनों साइड से, इस हाथ से पकड़ना और इससे पकड़ना और बीच में एक पीस डालते हुए इसको इसी तरीके से खींचते जाएंगे, इसलिए कि प्लेट हमारी फुल बराबर आती जाए। ठीक है, इसको बराबर हाथ से सेट करते हुए देखिए इसमें हमने बीच की सिलाई भी डाल दी इस तरीके से, तो हमारी अब गेटिस भी इसमें फोल्ड नहीं होगी। तो अब हमें ये नीचे का पहले हमको इसमें, या आपको सिंपल पलटना है तो आप सिंपल भी पलट सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं अगर सेट देना चाहते हैं, और ये डबल फोल्ड करके भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने, मेरे पास कपड़ा बचा था तो मैंने सोचा इसमें एक नया लुक, जब टॉप भी मैंने फ्रिल वाला बनाया है तो अब हम इसमें भी हम फ्रिल अटैच करेंगे। ठीक है, तो फ्रिल बनाना इसे डबल इसमें इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, एक सिलाई डालेंगे, फिर इसके बाद इस पर हम देखिए छोटी छोटी सी इस तरह से हम प्लेटें डालेंगे। ठीक है, तो डालना शुरू करते हैं। इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करके आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा लें तो और ज़्यादा फिनिशिंग से हमारी प्लेटें बनेंगी इसकी, और ज़्यादा नहीं हल्की हल्की प्रिंट डालना है, इससे अच्छा लुक लगेगा हमारा शॉर्ट्स का। इस तरह से हमने फ्रिल को बना करके रेडी कर दिया है। ठीक है, अब जो हमारा नीचे का फोल्डिंग वो है जो गोलाई उस पर हम रखते हुए देखिए दोनों को बराबर से मिलाएंगे और इस जो हमने सिलाई की है उसके ऊपर देखिए इस तरह से दोनों को मिला करके रखेंगे। इस तरह से हमने प्लेटें बना करके रेडी कर लिया है। तो जो अब हमारी गोलाई है पैर की,
तो उस पर हम दोनों को बराबर रखेंगे और जो मार्जिन है उस पर हम सिलाई डालेंगे। तो चलिए डालना शुरू करते हैं इस तरह से इसको दबाते हुए, और एक सिलाई इसके ऊपर से डाल देंगे जो फिनिशिंग के लिए हो जाएगी। तो इससे हमारा अच्छा, और अब हमने ये फ्रिल वाला इसका टॉप भी बनाया, उसकी वीडियो हम डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। और आप इसकी कटिंग शॉर्ट्स की और टॉप की स्टिचिंग कटिंग दोनों देख सकते हैं। हम इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें इसे देख सकते हैं। पहले उसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना, तो आपकी समझ में बिल्कुल ही आ जाएगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें जरूर। देखिए इस तरह से हमारी इसमें फ्रिल अटैच हो गई। तो इसी तरीके से हम दूसरा पैर भी तैयार करेंगे। और अब हमें क्या करना है, इस सिलाई को दबाते हुए, इस जो नीचे की सिलाई है इसको ऊपर की साइड दबाते हुए एक हम ऊपर से स्टिच डाल देंगे, जिससे कि हमारी इस पर फिनिशिंग भी आ जाएगी और ये हमारी फ्रिल भी सही से अटैच हो जाएगी। तो इस पर हम एक स्टिच डाल देते हैं और दूसरे पैर पर भी हम इसकी वो लगा लेते हैं, फिर इसको हम रेडी करके दिखाते हैं किस तरह से। तो देखिए इसके ऊपर को इसे हम इस सिलाई को इसे दबाते हुए और एक फिनिशिंग की सिलाई डालते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे पैर की भी सिलाई लगा देंगे और उसमें भी फ्रिल अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी फ्रिल लग करके तैयार हो गई और कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। जब हमारा ये शॉर्ट्स बनकर रेडी हो जाएगा फिर देखना कितना बढ़िया लगेगा ये। तो देखिए इस तरह से दोनों फ्रिल लगकर तैयार हो गई। अब ये हमें क्रॉच एरिया की स्टिच डालनी है। तो अब हमें इसका नाप लेना है कि जितना हम गोलाई रखेंगे उसकी, उस हिसाब से हमें इस पर निशान लगा लेना है। तो जो भी, क्योंकि शॉर्ट्स तो लूज ही अच्छे लगते हैं, तो हम इसके 8 इंच पर गोलाई रखेंगे। तो जो हमारा मार्जिन है इस तरह से हम इस पर 1/2 इंच के मार्जिन से ये सिलाई डाल देते हैं। तो यहाँ से लेकर और बराबर रखते हुए कोई भी कपड़ा हमको खींचना नहीं है, बराबर से इस पर स्टिच डाल देंगे। तो इसे रेडी कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा शॉर्ट्स बन के तैयार हो गया है। तो देखिए इसमें कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसे रेडी किया है। तो नीचे हमने फ्रिल लगाई है और इसके मैंने टॉप पार्ट में भी फ्रिल लगाई है, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। तो देखिए ये हमारा, आप भी बनाएं और इसको शुरू से एंड तक देखेंगे तो आप एक ही बार में बना लेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और देखिए बनकर धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।